बहुत बड़ी न्यूज मिली है ऑन द हैंड पे बैठो ला ला ला। अच्छा नागी कम होता भाभी जी साफ पे हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज गए रात के 2:30 और रात के 2:30 बजे, हाँ सुबह के 2:30 और सुबह के नहीं होते, रात के होते हैं, सुबह होती है 4:30 के बाद। तो बज गए हैं रात के 2:30 और रात के 2:30 बजे क्या हो रहा है यहाँ पे? चल रही है शादी की तैयारियां। भाभी को हमने जो भी सामान मंगवाया था ना, सारा सामान हम दिखा रहे हैं और भाभी से पूछे, भाभी कैसे लग रहा है? ये आपका हल्दी का, ठीक है, ये आपकी हल्दी की है और ये वाला बहुत सुंदर है ना, ये 20 तारीख का। तो ये है चूड़े का कवर। कल से हम सोच रहे कि सारे बैच लगा ले अपने, मैं तो अभी से लगा लक्ष्य तेरा भी ले ले, लड़की वाले ले तू भी ले ले, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैच, लगा के सो जाऊं मैं, लगा के सो जाऊंगी कहीं रात को भूल ना जाऊं मैं किस तरफ से हूँ। तो मैं हूँ लड़की वालों की तरफ से, तो ये मेरा बैच यहाँ रहेगा। अब बच्चों ने देख लिया ना तो ये खींचेंगे। मेरे को आवाज आई कोने से, दीदी मेरे को लाल वाला मत दो ना दीदी, मेरे को पीला दे दो। मैं क्या कुछ तो बोली, खुश हो गए खुश। देखो हल्दी का मेहंदी का सबको भाई दीदी बांट रही है गिफ्ट, चार लक्ष तू भी ले लेना, ठीक है मिल जाएगा। चलो मेरे को पिंक चाहिए, पिंक तो नहीं है, पिंक ये क्या है? सेम है ना, देखो पीला दूंगी ना एक, ये ले खरा है, ठीक है। देखो कितना मिला भाई, अच्छा टिक्का है, मुझे लगा इयररिंग है। नहीं नहीं टिक्का है, चल टीका लगा के आ जाना यहाँ से पहचानी हल्दी हो गया मेहंदी। तो ये देखो भाभी की ना दो कलीरे, ये वाली कलीरे मैं और पायल स्पेशली जाकर लेकर आए थे। शांति को साड़ी दी है ना, शांति पहन के देख रही है, ब्लाउज बनवाना पड़ेगा मुझे। नहीं कह रहे ये ब्लाउज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा यार ये कलीरे, तो बंद कर ना। अरे देखो मैं नहीं तोड़ूंगी, भाभी का काम है तो। शांति तो शादी हो चुकी है, तुम सब पे गिरेंगे, निक्की पे गिरेंगे, लाइन लगा के बैठेंगे, जिस पे गिरेंगे टिक्का ले लो। शांति बांट दो, एक को तो मिला नहीं गोल गोल सा। अच्छा देरी शांति, ये मोहनजी पे बनाना है, ये ले हरा दे दू। आग लगी बोल रही है अभी निकली इसकी जवान। अच्छा सुन यार, हमने ज्वेलरी तो मंगा ली है अभी, वो लगेज जो दिया ना मैंने कपड़ों वाला, उसमें आगे तो आपके पास होगी, हरी निकाल लेना वो मेहंदी के लिए। ये तो पहले मेहंदी की कपड़े दो भाई, मेहंदी लगाओ शांति को, सुबह मेहंदी भी लेंगे, कितनी मेहंदी लगाएगी? मैं भी पहले मेहंदी खुद ही लगवा लेना, ये बाद में रह जाता, अपने अपने ड्रेस में संभाल के पहले लगवा लूं मेहंदी। थैंक यू। लड़की वाले ऐसे बैच लगा कर आना अपना अपना, ड्रीम ब्राइड, ड्रीम ब्राइड। क्या कर रही है शांति? ये सब पहन के ही काम करना है घर में, बोलू? हाँ हमने सबको तो ब्राइड बांट दिया, ये लड़की वाली, ये तेरा मेरा दिल वाले लड़की वाले। और पायल तू लड़के वाला है, तू देख मस्त वाले लड़के वाले, ये लड़की वाला है, कोई बात नहीं बचे नहीं, कोई बात नहीं, हम किसी का भी बन जाएंगे, लड़का लड़की उनको भी लड़के वाले बना देती है, ठीक है उनको भी लड़की। अब जो लड़के वाले कम बचे, आप अपना लगा कर दिखाओ, मनदीप वाला सारिका वाला आप लगा के दिखाओ। अच्छा हमारे पास तो पुरानी ज्वेलरी पड़ी है ना पर्पल वाली, हाँ वो हम पहन लेंगे उस पे मेहंदी पे कल, और ये हल्दी वाली हम हल्दी पे पहन लेंगे, ठीक है। भाभी लगाइए भाभी, ये सब चीजें संभाल के रखना, एक ना वो बना लेना, संदूक हमेशा आपकी यादें रहेंगी कि मेरी शादी में ये सब हुआ था। ये भाभी का वो है चूड़े का कवर बनवाया, मैंने दिखाया, और ये हल्दी वाला है ना देख, मनदीप सारिका शुभ विवाह। मुझे बोलने वाली है, पूछ रही है भाभी आप ये संभाल के रखो, अगली शादी देना है, शादी करनी है ना तुझे, मनदीप भी ऐसी शादी करनी है, अगली शादी में काम है, इसलिए इसमें संभाल लो। ये तूबा के लिए, ये तूबा का है, तूबा का स्पेशल है, और देखो तूबा का, ये तूबा के हाथ का मेरी उंगली पे आएगा, तूबा के हाथ पे पहनेगी चूड़ा। ये किस लिए है? ये इसलिए भाभी जब चूड़ा अपना पढ़ाएंगे ना, जब चूड़ा पढ़ाते हैं ना, अब देख लो आप कितने टाइम पे बनाना, 1.5 साल भी होता है, 1.25 महीना भी होता है, ऐसे कुछ अलग अलग महीने होते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वो तुम करवा देना। बच्चों के कपड़े देख लिए? अच्छा भाभी मैं यही वाली चप्पल बोलती हूँ, भाभी को बोला भाभी इसने अपनी शादी में सेम चप्पल पहनी, इसी ब्रांड के, पायल ने भी सेम इसी सेम, मेरा पैटर्न दूसरा था, ब्रांड ब्रांड यही था। भाभी ये जुत्ती है, एक बार जुत्ती का जरा साइज भी देख लो, ऐसे तो मुझे आपका साइज पता था, आपने दे दिया, आपकी हल्दी की जुत्ती है, सही है, नहीं डिजाइन पूछो, डिजाइन है, बड़ी है। कितनी खुली है? बहुत ही बड़ी है, उन्होंने तो जो साइज बोला था वहां से दूसरी भी येलो निकाल के ला, ठीक है। चलो अच्छा मैं आपको सुबह निकाल के देखती हूं, अच्छा हुआ ना मैंने देखा, वैसे भी हल्दी भी देनी ना, ये आपकी ये रह जाएगी फिर, मतलब इसका आपको मेरा साइज आएगा। तो हमने सूट तो सबके लिए मंगवाए थे, बट क्या होता है ना सूट फ्री साइज के आते हैं, साइज पता नहीं होता, तो इसका साइज स्लीवलेस है, इसकी बाजू है, इसको करवाना पड़ेगा, इसको घर जाके ऑल्टर करा, ये वाला आ जाएगा, ये मेरे साइज का है। शादी तो नहीं है, चेक करें बेटा, पेंट है, जस्ट फॉर लुक, भाभी ने हमें पहले कहा था कि उनको चूड़ियों का शौक है,
तो हम चूड़ी सारे अपने हिसाब से ले आए, आप मिक्स एंड मर्ज कर लेना भाभी। ऐसी गांठ बांध देंगे आपकी, ऐसी गांठ बांध देंगे, मंदी भी ऐसे खुलेगी। हाँ वो भैया थक जाएंगे, हार जाएंगे, पर गांठ नहीं खुलेगी। तो शांति की साड़ी मैंने चेंज कर दी, शांति को वाली साड़ी दी, ये सुंदर है, थोड़ी सी वैसी है गर्लिश टाइप ना, ये अच्छी लगेगी लगा के। इसका ब्लाउज सिलवा, ये सुंदर था, देख डिजाइन। उसका ब्लाउज भी मुझे लग रहा आएगा ना, वो गर्लिश है थोड़ी ना, उसकी चुन्नटे भी बनी बनाई ढीली पड़ रही है, सुंदर भी लगेगी। और ये परफेक्ट इसको बांधनी आती है ना, ड्रिप वाली तो नहीं, वो मेरे से बंद भी नहीं रही थी ना, ऐसे करके यहाँ रहा था, यहाँ यहाँ रहा था। दिखाइयो ये मैं कैसे बांध, उल्टी बेटा उल्टी है, ये भी कर अच्छी लग रही है ना, ये ले कली दे दी इसको, ये सही है ना, ये ले, ये ब्लाउज कल सिल, कलर भी देखो अच्छा लग रहा है, उसका ब्लाउज भी कम है। शांति देखो रेडी करवाएंगे, हाँ देखो पीछे गाइस ये वाले लहंगे ना हमने सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट पहने थे, क्योंकि हमें मतलब वो लूज आ रहे थे बहुत ज्यादा, तो हमारी जो भांजी है ना उनको बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, तो शादी में भांजी ये वाले लहंगे पहन लेंगे, उनको बुला लेती हूँ, दे देती हूँ भाभी के लिए। मैंने कल के लिए ना सूट बनवाया बहुत सुंदर, दिखाती हूँ, ये तो इसका शरारा है और इसका सूट दिखाती हूँ, तो ये सिलवाया मैंने भाभी के लिए ना फ्रेश बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ भाभी का ना लहंगे वाला लुक एक निखर के आए, है ना, इसलिए मैंने ना डिफरेंट किया है, निखर के आए, इसलिए मैंने भाभी के लिए सूट बनवाया है ग्रीन कलर का, इसका दुपट्टा बहुत ही ज्यादा सुंदर सा। तो गाइज अब ये कमेंट मत करना आप वीडियोस पे जाके कृतिका पायल के कपड़े पहने, कृतिका पायल के कपड़े पहने, प्लीज मत करना, क्योंकि हम एक फैमिली है, ठीक है, जैसे मैंने कुछ पहना है वो इसे पसंद आ गया, इसे इसने कुछ पहना है मुझे पसंद आ गया, हम लोग चेंज करके पहन लेते हैं, प्लीज मत बोलना। सुबह के बज गए हैं 10 और मैं सोई थी सुबह 4:15, मेरे को नींद नहीं आई थी बिल्कुल भी, हलवाई भैया नीचे आ चुके हैं, सिलेंडर का जुगाड़ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सिलेंडर के लिए अपने सुमीर भैया को बोला था पर उन्होंने नहीं करा, तो अभी मैं जा रही हूँ 1100 हमारी जो भाभी है उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास एक्सेस सिलेंडर पड़ा है तो मैं उनको फोन कर देती हूँ, नहीं उनके पास चली जाती हूँ, वहाँ से एक सिलेंडर उठाती हूँ, और न्यूज़पेपर चाहिए क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, न्यूज़पेपर चाहिए वो भी वहीं से लेना है, उसके बाद मैं पूजा को भी कॉल कर देती हूँ, उसके पास एक्सेस सिलेंडर पड़ा उससे भी मंगा लूँ। कहाँ मम्मा गया घूम घूम, कहते हैं ना ढूंढने से भगवान मिल जाता है, तो यहाँ पे मेरे को ढूंढने से सिलेंडर मिल गया, भाभी ने 2 सिलेंडर का जुगाड़ कर दिया है, ठीक है एक भरा एक खाली, तो एक काम करेंगे खाली वाला भरवा लेंगे, भरा वाला खाली करवा देंगे, खाली करवा बड़ा वो खाली करवा देंगे, भाभी को बोल दे भाभी आपको आना है सारे फंक्शन में, मेहंदी है आज से करना पड़ेगा, आज हमारे घर में मेहंदी है बंदी भैया की, तो आपको आना, ओके ठीक है। अब बहाना क्या बोल रहे थे वो भी बता दो, नानी जी के घर जाना है, मामा जी की एनिवर्सरी है, और वो भी चलो कोई नहीं, कल हल्दी है, कल हल्दी है, मेहंदी दे देगी आपकी, एक काम करना फिर आने वाले थोड़ी बहुत मेहंदी लगवा के चले जाना, क्या टन मैं तैयार होकर ऊपर ही आती सर। तो गाइस रात को बड़ी मुश्किल से नींद आई है, लगा लो 3:30-4 बजे नींद आई और अभी उठ गई हूँ, बड़ी मुश्किलों से नींद आई, तो बस अभी न्यूज पेपर मिल गए, तो यहाँ पे हमें न्यूज पेपर भी मिल गए हैं बहुत सारे, गेरे न्यूज पेपर, चलो लेकर चलते हैं, भाभी आ जाना ठीक है आज से, ओके। तो सुबह सुबह डेकोरेशन वाले भैया का फोन आ गया था कि वो लोग भी आने वाले, मेहंदी वाले भैया का फोन आ गया था कितनी देर में आने, मैंने कहा आप आ जाओ, पहले भाभी उठ गई है क्या, चल ठीक है यार हम लोग भी रेडी वेडी उठाते हैं, फिर आटा भी नहीं होगा, नहीं आटा तो आ गया, आपकी नहीं रहेगी भैया, 2 सिलेंडर आ गए, ये सिलेंडर आता है जैसे खाली होगा ना, मंदीप भैया को बोलना फुल करवा के ले आएंगे, या फिर सूरज भैया को किसी को भी बोल देना, और आपका आज चीनी रहेगी, चीनी भिजवा दी, और क्या रह गया मुझे भी दिला दो, फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं है, पनीर दूध और क्रीम को सब मैं फ्रेश मंगवा रही हूँ, कल चाहिए से दूध कितना मंगवाना है, दूध मंगवाऊंगा यहाँ से नहीं मंगाना, डेली से मंगाऊंगा, अभी शाम के लिए, तो भाई हम यहाँ पे अपना नीचे करवा रहे थे काम, तो यहाँ पे हमने देखा जिम में कोई शख्स घुसा हुआ है, इतने डेडिकेटेड हो गए हैं, सुबह सुबह पहुंच गए, मेरे को फोन आया कि पायल मेरे एयरपोर्ट से थे, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कह रहे मैं कार्डियो कर रहा हूँ, तो मतलब 2 टाइम जिम कर रहे हैं, कार्डियो प्लस एक्सरसाइज, आज संडे है, संडे को भी इनको चैन नहीं है, पर मैं तो और गोलू तो नहीं करेंगे आज एक्सरसाइज, पंखा मांगते हैं, क्या चाहिए इनको, पंखा चाहिए, दे दे फिर एक एक पंखा, अनु क्या चाहिए, पंकू पंकू चाहिए, जैदू कहा चाहिए, पंगू पंगू पंगू, एक बात बताओ भाई हम तो चलो सोए नहीं, तुम लोगों के पास तो पूरा टाइम सोने का, पता क्या नहीं, चलो जाओ, रात को कितनी लेट सोए, ये बुरी 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 कर रहा था, तेरी बात कर रही हूँ, वो तो अच्छा बच्चा है, ये तो गुड्डू भाई है मेरा, लेकिन इसको अब नींद आ रही है, अब ये शोई शोई करेगा, लारू कहेगी लारू कहेगी, तो ये देखो गाइस ये हमारी तूबा है, वहाँ पे देखो उधर हिल रही है, लाइट बंद करती हूँ, तूबो अभी क्या किया तूबू ने, मैं बताती हूँ आपको, वहाँ पे ना कंबल रखे थे, कंबल के पीछे से नीचे नीचे गिरने की कोशिश कर रही थी, और ये सोच रही थी मम्मी देख नहीं रही, बार बार मेरी तरफ भी देख रही थी और उधर भी देख रही थी, इसको लगा मम्मी मुझे देख नहीं रही, अब मैंने देख लिया, जैसे नीचे जाने के लिए मैं पकड़ी टैंक खींची, कहाँ जा रही है, क्या चाहिए तुझे, फोन चाहिए, अब फोन चाहिए, आप फोन चाहिए, कोई शुरू शुरू नहीं करनी होती, डेकोरेशन वाली चप्पलू होने वाली है ना, हाँ डेकोरेशन हो रही है ऊपर, हल्दी का भी ले आए गोला ना, हाँ हल्दी को पहले लाके रख लिया उन्होंने, हाँ पहले लाके रख दिया, सही है, मोए 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 आप, हाँ मोए मेरा बबलू का बच्चा रेडी हो गया, आ गया मीला बबलू का बच्चा रेडी, ये है इनका पहला आउटफिट गाइस, और ये अपने चुनचुने लेके घूम रहा है, चुनचुने एक और ले लो, चलो
अब चोई चोई करनी है आपको, मुझे लग रहा है सोएगा अब, सोएगा ना, तो एक काम करो थोड़ा सुला देना, रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे। ये दल बदलू एक नंबर का है। मम्मी का है, मम्मी माँ 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 बोला बोला बोला। तो गाइज यहाँ पे मेरा सेट फंस चुका है और गोलू पूरा स्ट्रगल कर रही है सेट को निकालने के लिए, पर मुझे लग रहा है निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा, तोड़ क्यों, नहीं तोड़ना क्यों, इतना महंगा सेट है। तो गाइज मेरी मेहंदी अभी तक लगी नहीं है, पायल की भी एक हाथ की मेहंदी रह गई है, तो बस अपनी मेहंदी कंप्लीट करवा रही हूँ। ये वाली मेहंदी कंप्लीट हो गई दोनों हैंड की, पोर भी रह गए इसके वो फिल करवाऊंगी, और अभी तो मेरी एक हाथ की मेहंदी रह गई है, तो लगा लो 10 से 15 मिनट और। मेहंदी 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 ही चल रही है इस वाले व्लॉग में भी, क्योंकि हम दोनों की मेहंदी रह गई थी अधूरी। तो भैया कह रहे जब तक आप लोगों की मेहंदी पूरी नहीं होगी हम यहाँ से कहीं नहीं हिलेंगे, इतने अच्छे हैं ये गौरव मेहंदी आर्टिस्ट जो आए हमारे यहाँ पे इस बार मेहंदी लगाने। इन्होंने मैंने बीच में भेज दिया था, मैंने कहा भैया खाना खा के आ जाओ क्योंकि पेट पूजा पहले है उसके बाद काम दूजा, तो पेट पूजा हो गई है अब काम दूजा कर रहे हैं। बाबू ये नाइट सूट पे झुमके कौन पहनता है? पर जैसे तू पहनती है। अच्छा मैंने भी पहनो है क्या? मुझे लगा मैंने निकाल दिया, मुझे लगा मैंने ये तो मेरा स्टाइल है मंगलसूत्र मेरा पति निशानी है तो पहननी बहुत जरूरी है, ये निकाल देती हूँ तो कॉलर के बाहर निकाला हुआ पूरा देख। तो गाइस आज एक बहुत बड़ी बात तो चली है, मुझे बहुत बड़ी न्यूज मिली है, बहुत ही बड़ी न्यूज मिली है। न्यूज क्या है? न्यूज ये है, मैं बताती हूँ, हम खुद नहीं बताते हैं, हमें हमारे मेहंदी आर्टिस्ट बताएंगे। गौरव भैया तो यहाँ पर ना बहुत सारी बची हुई कीप है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कहा भैया सारी वेस्ट हो गई क्या भैया? ये बस 3 दिन तक इसकी गारंटी है। मतलब अच्छा। मेहंदी की भी लाइफ होती है, मेहंदी 3 दिन तक लगातार जीती है, खुले आसमान में खुली सांस लेती है 3 दिन। तो सब अपने हाथ पे हस्बैंड वाइफ का नाम लिखवाते हैं, ठीक है? बीवी लिखवाती है हस्बैंड का नाम, मैंने भी लिखा दिया मियाँ बीवी का नाम अपने। मैंने लिखवाया इस बार, मैंने बहुत फास्ट फास्ट मेहंदी लगवाई और मैंने मियाँ बीवी की फोटो भी बनवाई हुई है, देखो चीको ये पापा पायल मैं कराऊं बात एक ही है, तो मैंने सिंपल संदीप पायल कैसे लग रहा है? एक नंबर। बस अब मेरे पोर भी रह गए हैं, माय पोर भी वन इज लेफ्ट ऑन द हैंड। भाई तो हमारे इतने सारे हैं और खाना किचन में भाई जो हमेशा ध्यान रखते हैं, खाना किचन में निकला है भैया ने खुद से पूछा बहन भूख नहीं लग रही, सैलेड के साथ में चला रहे लगे और रोटी नहीं बस नहीं खाते क्या? नहीं पर आपने खिलाया ना ढाल दियो। तू इधर चल रही है साफ सफाई क्योंकि घर इतना ज्यादा गंदा हुआ था, सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है, जितनी भी गर्ल्स है सारी साफ सफाई कर रही है यहाँ पे। तो तू रानी कह रही है मम्मा आपकी गोदी में रहूंगी और मैं और पाली इंस्ट्रक्शन दे रही है, पर अगर मुझसे काम नहीं हो रहा हाथ से तो मैं पैर से सामान इधर उधर कर रही हूँ, बट कर जरूर रही है काम। मुंदरी ओले मुर्गी मुर्गी ओले जड़ी गुड़ गुड़ कर दिए सोवे जाना सस गुड़ गुड़ कर दिए काला डोरे कुंडे नहीं मामा अपनिया क्या बोलते मामा अपनिया जिन्हें कुड़िया सुधारिया मामा अपनिया जिन्हें कुड़िया बिगाड़िया सासा जिन्हें नवा सुधारिया काला डोरिया कुंडे हमारे सामने आने वाली है विश्व सुंदरी, तो थोड़ी देर वेट एंड वॉच, तब तक आप ढोलक का मजा लो, मम्मी की बोलियों का मजा लो, तब तक मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। कुड़ियो कुड़ियो यस सिट डाउन पे बैठो, कौन से अफसर आ रही है? ओह माय गॉड किस किस को देख ली अफसर आ रही है? ला 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 सूट अफसर आने पहले अब अफसरा डांस करके दिखाइए, चलो लाइट तो चलाओ चलो अफसरा डांस करिए मम्मी चलो वो कोई सास बहू का सुनो, मैं इसकी सास हूँ बाबू जी अफसरा शर्मांदी बहुत है सास मेरी दा इन्ना चूड़ा सास मेरी दा इन्ना चूड़ा तो बह गई रे ते सस्ते कुंजी चल ले ते
कंजरी सास तो बोल दो शादी है कैसे था वो कल लगाया था कुंडी वाला लगा तू हाँ कुंडी लगा कुंडी अच्छा नागी कम होता भाभी जी अच्छा सच्ची सांप आ गया अंदर चल सांप पे पखेंदा सूट है एक कप चा मम्मी कह रही आगे बोलो एक कप चा पियोगे आगे नहीं आना तुसी करना आगे नहीं आना बेटी डर रही है भाई बहुत सुन बेबी डर रही है तेरा शो लाना वा दसो शो लाना राती तीन बजे हे माई सचिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदा सब दे दुखड़े दूर करन वाली माता जी तुहाडी सदा सारे देवी देवताओं की ये विवाह को शुभ करे पवित्र करे और ये रिश्ता हर सातों जन्म बनता रहे ओए होए इमेजी बनाएगा हमारी अप्सरा आएगी बोली चलो किधर फंस गया गुड़िया की हिम्मत है ये जो अप्सरा सूट पहन ना बार बार मेरी नजर इस पे पड़ रही है सूट पे सूट यही मिला के लगा हुआ मेरा फिटिंग आता नहीं तो तेरा सूट ये दिख रहा था मैंने कहा चलिए यही बना देती हूँ गुड़िया की हिम्मत है संभाल लेंदी है जब गुड़िया पूरे परिवार नु संभाल लेनी है तो ये तो सूट है चलो सिर्फ कुड़ी कुड़ी का फर्क होता है पारी बरसी खड़ने गया सी खटके लिया बताऊं सैकल दे तलिया मुझे लग रहा है ये अप्सरा तेरे सूट फाड़ के जाएगी इससे पहले इस अप्सरा से आप तेरे वस्त्र उतरवा लेती हूँ चल अप्सरा जा खटने गया सी खट के ले आंदा केला वो सारे खड़े आ जा अज बन देना रौनक मेला चकलो
देखियो सूट का के करा इसने, देखियो ये अफसर आके बनगी, देखियो पूरे ना करने पैसे पायल का चपसला निकल गया चपसला। अच्छा गल सुनो, साडी पेमेंट करो असि जाइए फिर। सुबह गोलगप्पे खाए ना, बस इतना था। सुबह छोले भटूरे आ जाना टाइम से खा। जब मैं जा रही थी ना तो चीना गोलू के पापा ने बोला कि तू कब आएगी, तो मैंने कहा आ जाऊंगी। नहीं तू कब आएगी, तो दो दिन में तीन दिन में। मैंने कहा शादी 12 तारीख की है, 13 तारीख को रेस्ट करके 14 को बस लेके आ जाऊंगी। फाइनल हो गया है, फाइनल आ गया। तो बार बार पूछ रहे तू कब आएगी, तू गए तो मैंने गाया मैं वापस तो सच में आज लगी है सबसे ज्यादा रौनके, क्योंकि मम्मी आ गई थी। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आ रहा है सब्सक्राइब बटन, जल्दी जाके दबा दो यार, क्योंकि ये दबाओगे आपको ऑन द स्पॉट सारी डिटेल, सारे जो भी हमारे व्लॉग्स आने वाले होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट।